हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, इसके बारे में क्या न्यूज़ निकल कर आई है और इसका आज का परफॉर्मेंस कैसा था और मंडे कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है, उसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, पहले तो जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट और एनालिसिस मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, पहले तो आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस कैसा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स ने क्लोजिंग दी थी 350 रुपीज़ पे क्लोजिंग दी थी, और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 1.52% की जो है इसमें तेज़ी देखने को मिली। फ्रेंड्स, काफ़ी वोलाटाइल था आज टाटा मोटर्स का शेयर, और ये देख जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ओपन हुआ था 346 रुपीज़ और ये हाई लगाया था 352 रुपीज़ 90 पैसे, और ये लो लगाया था 344 रुपीज़ 35 पैसे पर लो लगाया था। चलिए हम NSE के वेबसाइट पर देख लेते हैं कि आज का कारोबार कैसा था टाटा मोटर्स में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेडेड है लगभग 3 करोड़ 64 लाख की जो है इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है, और डिलीवरी उठाई गई है 77,52,000 की डिलीवरी उठाई गई है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 21.27% की जो है इसमें डिलीवरी उठाई गई है। लगातार कई दिनों से 11-15% के अंदर जो है डिलीवरी उठाई जा रही थी, आज जो है 21.27% की डिलीवरी उठाई गई है, वो जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है टाटा मोटर्स के लिए और टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए। चलिए हम चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस था। जैसे हमने प्लान किया था कल के एक न्यूट्रल कैंडल बनाया है, तो मैंने आपको इंटीमेट भी किया था फ्रेंड्स कि एक ग्रीन कैंडल बन सकता है करके। जो भी मेरा कल का वीडियो नहीं देखे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, और यहाँ पे तमाम इंडिकेटर्स अभी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं, और यहाँ वॉल्यूम बार्स भी MACD में हाई वॉल्यूम बार्स बता रहे हैं, और मुझे लगता है कि मंडे के दिन भी इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक न्यूट्रल कैंडल बनाया रेड कैंडल के बाद में, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन था ग्रीन कैंडल बनाने का, और अकॉर्डिंगली हमें ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा। आपको जल्द से जल्द मैंने आपको कहा भी था मेरे कल के वीडियो में कि ये आपको 360 भी टच करता हुआ दिख सकता है, तो यहाँ पे एक 360 यहाँ पे एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस है जो मुझे लगता है कि यहाँ पे तक पहुँच के इसके बाद में एक हॉल्ट करेगा। और ये तमाम इंडिकेटर्स जैसे कि RSI पॉजिटिव बता रहा है और विलियम परसेंटेज भी पॉजिटिव बता रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ देख लेते हैं क्या न्यूज़ निकल कर आई है। यहाँ से एक न्यूज़ निकल कर आई है, टाटा मोटर्स डिलीवर्स 25 विंगर एम्बुलेंस टू गुजरात गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट। तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया था टाटा मोटर्स को, 115 एम्बुलेंस का जो है ऑर्डर दिया था, जिसमें से 25 एम्बुलेंसेस डिलीवर हो चुके हैं करके न्यूज़ निकल कर आई है। अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो पिक चेक टारगेट प्राइस ऑफ दिस टॉप परफॉर्मिंग ऑटो शेयर। तो यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला एक रिनाउंड इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट की दुनिया में, और इन्होंने जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है 100% में प्रॉफिट होकर ही निकलते हैं ये। इन्होंने जो है इसमें इन्वेस्ट किया है, बड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, और मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट स्टॉक है ऑटो इंडस्ट्री में। जो भी इन्वेस्ट करके है लॉन्ग टर्म के लिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का अभी बूम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट का भी जो 15 ईयर्स स्क्रैप पॉलिसी भी है जो कि इम्प्लीमेंट अभी इम्प्लीमेंट में नहीं आया क्योंकि कोरोना की वजह से, तो ये तमाम जो है पॉजिटिविटी अभी बरकरार है टाटा मोटर्स में। वो एक टॉप परफॉर्मिंग ऑटो सेक्टर का एक शेयर है, तो मुझे लगता है ये पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, और जल्द से जल्द आपको यानी कि 2 से 4 साल में आपको ये इसका अमाउंट 800-1,000 रुपीज़ भी पहुंचते हुए दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वे मेरे व्यूज थे। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।